देवेंद्र सोनकरिया हमेशा चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, मस्त होकर के पढ़ना। देवेंद्र की अपनी कैटेगरी में देश भर में 13वीं रैंक है और बड़ी बात ये है कि ये भी 12वीं के साथ है विद 12th है। एक चीज़ मैं आपको और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स कहते हैं कि बोर्ड में परसेंटेज घट जाते हैं, स्पेशली जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं हिंदी इंग्लिश, उनमें मार्क्स नहीं बनते, देवेंद्र उस चीज़ का अपवाद है, आप ताजुब करेंगे। देवेंद्र के 12th बोर्ड में इंग्लिश में 100/100 मार्क्स हैं, बायोलॉजी में भी 100/100 मार्क्स हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और नीट में भारत भर में 13वीं रैंक है। देवेंद्र, आज आपको अंदर से यूँ महसूस हो रहा होगा, सेल्सी में एडमिशन करवाने के अपने निर्णय पर गर्व महसूस हो रहा होगा, क्योंकि सेल्सी परिवार ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अपनी सफलता की कहानी, सेल्सी में रहते हुए आपके जो अनुभव रहे, अपने हॉस्टल लाइफ से लेकर के, अपने कैंप से लेकर के, क्लासरूम से लेकर के, असेंबली तक, जो भी चीज़ें आप शेयर करना चाहें प्लीज़ शेयर करें। देवेंद्र, मेरा नाम देवेंद्र सोनकरिया है, मैं खेजरौली जयपुर का निवासी हूँ और मेरे पापा मजदूरी करते हैं, मेरे मम्मी गृहिणी हैं और मैं विट्टोल सीएलसी सेलेक्ट हूँ। मैं यहाँ 2 साल पहले 11th में एडमिशन लिया था मैंने, तब मेरे को कुछ नहीं पता था क्या फाउंडेशन होता है क्या नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ जानने लगा। यहाँ बॉस का मोटिवेशन बहुत मज़ेदार है, जब भी कुछ भी मन में होता था हल्का फुल्का डर वर, असेंबली ज्वाइन करो, मज़े करो बस।